हेलो एवरीवन दिस इज मानसी वेलकम बैक टू माय चैनल सो अब हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट कर रहे so, हैं मतलब फोर सोल्यूशन कैसे लिखोगे एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे वाई आ जाएगा या वाई की वैल्यू पुट करोगे एक्स आ जाएगा तो ऐसे फोर सोल्यूशन दे रहे पार्ट नंबर वन है टू एक्स प्लस वाईक्स टू सेवन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ले लिया सपोज हमने ले लिया एक्स इक्वल्स टू जीरो सो हियर टू एक्स की जगह जीरो प्लस वाईक्वल्स टू सेवन ठीक है टू इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस वाईक्वल्स टू सेवन वाई वाईक्वल्स टू सेवन हो गया सो एक्स जीरो लिया तो वाई की वैल्यू क्या आई सेवन नाउ हमने एक्स ले लेते हैं वन अब एक्स वन लेंगे एक्स की जगह रखा वन प्लस

टू दो सॉल्यूशंस मिल गए थर्ड एक्स हमने रखा टू सो टू एक्स की जगह टू प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया सेवन इधर प्लस फोर है इधर जाके माइनस फोर हो जाएगा सो so, वाई क्या जाएगा? Four, five, six, so, y आ जाएगा फोर फाइव सिक्स सेवन सो दे की वैल्यू आ गई थ्री एक और हमें निकालना है तो एक्स को हम

टू थ्री फोर सॉल्यूशंस हो गए ठीक है अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे सो पार्ट नंबर टू है पाएक्स प्लस वाईक्वल्स टू नाइन अब यहां पे हमें x की कोई वैल्यू रखनी है y निकालना सेम फोर सॉल्यूशंस रखना लेकिन पाए का ध्यान रखना की हम कोई ऐसी वैल्यू ना कर रखे कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाए क्वेश्चन सो so, सबसे पहले तो सिंपल हमारा x इक्वल्स टू जीरो ही ले, ले लेते हैं So, ये हो जाएगा पाए एक्स की जगह रखा जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन सो ये तो पाई इन टू जीरो जीरो हो गया वाई की वैल्यू नाइन आ गई तो एक्स अगर जीरो रखा तो वाई भी रहा नाइन आ गया ना एक्स इक्वल्स टू वन रख के देख लेते हैं तो ये हो जाएगा पाए एक्स की जगह वन सो so, यहाँ पे पुट किया हमने वन प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन टू वन पाई प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन वाई की वैल्यू हो जाएगी इधर नाइन है पाइव प्लस का है इधर आके माइनस पाइव हो जाएगा सो देर फोर वाई की वैल्यू हो जाएगी नाइन माइनस पाई ठीक है सिमिलरली एक्स को ऊपर तो लिखते हैं एक्स को अब हम ले, ले लेते हैं माइनस वन सो ये ले लिया एक्स इक्वल्स टू माइनस वन सो हो गया अगेन पाए एक्स की जगह माइनस वन रखा प्लस

पाई कुछ भी रख सकते हो वन अपॉन पाई टू अपॉन पाई मैंने लेट्स सपोज नाइन अपॉन पाई रख लिया तो यहाँ पे देखो क्या होगा पाई एक्स की जगह नाइन अपॉन पाई एंड प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन पाई से पाई कैंसिल तो ये हो गया नाइन प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन अब वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन है ये वाला नाइन इधर आके माइनस होगा तो वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया ठीक है So, इस तरह से अगेन वन टू थ्री फोर सोल्यूशन आ गए फाइन मूविंग टू पार्ट थर्ड पार्ट में है एक्स इक्वल टू फोर वाई अब यहाँ पे सिंपल क्या हो सकता है y को जीरो तो x मेरा क्या आ जाएगा फोर इंटू वाई की जगह जीरो फोर इंटू जीरो इज जीरो तो y जीरो रखा x भी जीरो आ गया देन y को वन रखा तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा फोर y की जगह वन फोर इन टू वन एस फोर तो देर फोर एक्स मेरा फोर आ गया सिमिलरली वाई को हम टू रख लेते हैं एट सिमिलरली वाई को थ्री रख लो तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी एक्स इक्वल्स टू फोर वाई वाई की जगह थ्री रखा है हमने सो की जगह रखा थ्री सो फोर थ्री टूल सो एक्स इक्वल्स टू हो गया ट्वेल्व अगेन वन टू थ्री फोर सोल्यूशन ओके सो दिस वॉज दी लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट होता है नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन